हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारे प्यारे से दो तरह के पर्स बताने वाली हूँ। और देखिए, मैंने कट पिट कर लिया है कपड़े को। और देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच की, इसकी लंबाई है देखिए 8 इंच की। तो 8x7 इंच का ये हमारा पीस है। तो ये मैंने दो पीस सेट कर लिए हैं फॉर्म वगैरह लगा के। और एक पीस हमारा ये है, ये हमारी चारों तरफ पट्टी के लिए है। इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 22 इंच की और चौड़ाई ली है 4 इंच की। तो देखिए, 4 इंच की इसकी चौड़ाई है, 4.5 इंच करीब की, और 22 इंच की इसकी लंबाई है। अब देखिए, मैंने जिप ली है एक और दो डोरी ली है। तो डोरी 15 इंच की हैं, दो मतलब कि एक डोरी 15.5 इंच की है। और दो मैंने कपड़े लिए हैं इसमें पॉकेट लगाने के लिए। तो देखिए, जो हमने कपड़े लिए हैं उसको हम इस तरीके से पॉकेट की तरह सेट कर देते हैं। तो बीच सेंटर में भी सिलाई लगा देते हैं, तो इसमें ये छोटी छोटी 4 पॉकेट बन के रेडी हो जाएंगी। और देखिए, इस तरीके से 4 पॉकेट बन चुकी हैं। और अब हम इसमें जिप को अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से मैं इसमें जिप को अटैच कर रही हूँ। आप जिप के साथ में ही डोरी को भी कर सकते हो, करना चाहो तो अटैच। अब देखिए, दोनों तरफ मैंने जिप को अटैच कर दिया और ऊपर से हमें सिलाई इसमें लगा देनी है। तो देखिए, जिप को अटैच पहले एक सिलाई लगा देते हैं, फिर दूसरी सिलाई लगा देनी है। और देखिए, अलग अलग कर लेना है। अब हमें इसमें रनर डाल देना है। तो देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली ऊपर से, दोनों तरफ से आपको दिख रही होगी। तो ये फिनिशिंग हो जाती है थोड़ी सी, तो धागे वगैरह नहीं आते हैं, नहीं तो हमारी जो रनर है वो ख़राब हो जाता है। अब देखिए, हमने रनर डाल दिया। अगर आपको रनर डालने की वीडियो चाहिए तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को केवल एक कमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, रनर तो हमने डाल दिया। अब इसमें हमें जो हमने पट्टी को सेट करके रखा हुआ उसमें हमें 20 सेंटर में निशान लगा लेना है। तो हमने 20 सेंटर में निशान लगा दिया। अब इसमें भी हमें 20 सेंटर में निशान लगाना है, इस तरीके से दोनों साइड में। आप बॉयज़ के साथ साथ देखते भी चलना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो हमने निशान लगाया है यहाँ से 20 सेंटर में, इधर भी लगाया और फिर इधर भी लगाया, तो मतलब चारों हिस्सों में, मतलब इधर दोनों हिस्सों में और बीच के दोनों हिस्सों में, इस तरीके से चारों हिस्सों में मैंने 20 सेंटर में निशान लगाया है इसमें। अब देखिए, इसे हमें इस तरीके से सेट करके रखना है। तो 20 सेंटर से सेंटर मिला, जो जिप वाला पार्ट है उसको हमें इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर से सेंटर, और इसको हमें इस तरीके से सिल देना है। तो देखिए, इधर से हमने सिल दिया और सेम तरीका हमें दूसरी तरफ से भी इसको सिल देना है फिर। तो ये हमने दूसरी तरफ से भी सिल दिया। और अगर आपको वैसे तो ये नहीं, अगर बिल्कुल आप इसी नाप का बना रहे हो तो आपका छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बड़ा या छोटा बना रहे हो तो आप थोड़ा सा नाप लेना, अच्छी तरीके से पहले नाप लेना है। जो हमने स्क्वायर जो पीस लिया है उसको आपको अच्छी तरीके से पहले नाप लेना है, फिर इसकी जो पट्टी है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनानी है। तो अब देखिए, इसे सेट करते हुए मैंने आलपिन से सेट कर दिया और चारों तरफ से अब इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, एक तरफ से हमने इसको इस तरीके से सिल दिया पूरे को, और सेम तरीके से अब आपको दूसरी तरफ से भी इसको सिल देना है। तो इस हर भी हम सिल देते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से हमने सिल दिया। अगर आपको इसमें पाइपिंग वगैरह लगानी है तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हो। इस तरीके से ये हमारा, आप इसे ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम बनाने वाले हैं बैग। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि दो तरह के बैग बनाने वाले हैं। अब देखिए, हमने डोरी ली और डोरी को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिया। आप नाप के भी लगा सकते हो, मैंने अंदाजे से अटैच कर दिया है। अब देखिए, ये हमारी डोरी लग के रेडी हो चुकी है दोनों साइड में। बहुत ही प्यारा सा बैग बना हुआ है। और गाइस, वीडियो ये हमारा पर्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए, दूसरा पर्स बताते हैं अब आप लोगों को। बहुत ही प्यारा सा है ये वाला भी। और इसमें हमने डबल जिप में बनाया है इस पर्स को, और ये छोटे छोटे कपड़ों से बनाया हुआ है। अब देखिए, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया, जितना भी पीस इसमें से निकला। और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 9x5 इंच की।
इसको मैंने हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लिया और ऊपर से थोड़ा सा 1.5 इंच करीब ऊपर से लेते हुए कट कर दिया इस तरीके से एक तरफ से। और इसे हमें प्लास्टिक बोरी के ऊपर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में जो हमने कट किया हुआ था उसमें हमें जिप को अटैच कर देना है। जिप को अटैच करने के बाद में ऊपर वाले हिस्से को भी अटैच कर देना है और 2 सिलाई आपको लगा देनी है। फिर मतलब कि पहले तो 1 सिलाई लगानी है जो अटैच करनी होती है और फिर दूसरी ऊपर से लगा देनी है। तो ये हमारा पीस इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब इसी के नाप का इसको आपको कर लेना है, लेकिन इससे पहले हमें अंदर की साइड में अस्तर भी लगाना है और रनर भी डाल देना है। तो देखिए पहले हम रनर डाल देंगे, अब जो हमने पॉकेट बनाई है जिप लगाई है उसके लिए हमें अस्तर भी चाहिए, तो अस्तर भी हमने लगा दिया है उसमें। अब जो हमारा जिप वाला पार्ट है उसे हम अब ऊपर वाले पार्ट के बराबर कर देते हैं। अब इसके हम चारों साइड से हिस्से को बराबर बिल्कुल नाप लेंगे, बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल बराबर नापना है इस हिस्से को। तो मैंने नाप लिया 24 इंच, इसका जो टोटली हिस्सा आ रहा है वो है, और इसकी जो चौड़ाई है पट्टी की वो 3.5 इंच करीब की है। और देखिए मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया, मतलब कि 25 इंच का। अब इसमें हमें देखिए जिप को लगाना है, तो जहाँ से जिप है वहीं तक मैं इस ऊपर वाली जिप को लगाने वाली हूँ। अब जिप के बराबर का हम इसमें से ही पीस कट कर लेंगे। पीस कट करने के बाद में इसे हमें 20 सेंटर में से कट करना है। अब इसमें हमें जिप को 20 सेंटर में ही अटैच कर देना है। तो देखिए इधर से सिल देंगे, ऊपर से 1 सिलाई लगा देंगे, फिर दूसरे हिस्से में भी इसको अटैच कर देंगे, फिर से हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है, रनर डाल देना है। अब जो हमारा जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको अटैच करते हुए ऊपर से 1 सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड से भी आपको इसको जिप वाले पार्ट को इसी में ही अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको 20 सेंटर में निशान लगाएंगे, लेकिन इसको हम फिर से आप नापना चाहो तो नाप सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी सिल सकते हो। अगर आपको डाउट हो कि अगर छोटा या बड़ा नहीं है तो आप फिर से नाप भी सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने 20 सेंटर में इसमें कट्स लगा लिए दोनों साइड में, और देखिए दूसरी साइड से भी इसको हमें सिल देना है। तो ये मैंने देखिए एक बार पहले मैं नाप लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि कहीं ये बड़ा या छोटा तो नहीं है। तो देखिए ये इतना बड़ा हो गया है, तो जितना बड़ा है उतनी इसमें सिलाई आ जाएगी। तो 1 इंच करीब बड़ा था तो 1 इंच की हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आपको इसी हिसाब से आपको पहले नाप लेना है, फिर आपको सिलाई वगैरह लगानी है, ताकि हम सिलाई भी उसी हिसाब से लगा दें। अगर आपका पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसे कट भी कर सकते हो। तो देखिए अब इस हिस्से को हम पूरे में सेट करके और सिलाई लगा देंगे चारों साइड से, और फिर इस तरीके से हमारे पर्स बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए पहले हम एक तरफ से इसको सिल देते हैं और फिर दूसरी तरफ से इसको सिलेंगे, और एक हम स्ट्रिप इसमें लगा देंगे हैंडल के रूप में पकड़ने के लिए। तो देखिए हमने इसको सिल दिया और दूसरी साइड से हम इसे सिल देते हैं। एक मैंने लेस का टुकड़ा लिया, इसको हम अटैच करते हुए और दूसरे हिस्से को भी पूरे को राउंड शेप में सिल देते हैं। और गाइस ये वाला पर्स हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा डबल जिप में बहुत ही प्यारा सा पर्स बन के रेडी है। आप इसे कहीं भी मार्केट वगैरह घूमने फिरने जा रहे हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।